मध्य प्रदेश के नीमच जिले के डायट भवन पर आज कलेक्टर दिनेश जैन और एसपी अंकित जायसवाल ने लोकसभा निर्वाचन 2024 को लेकर पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने पत्रकारों को बताया कि लोकसभा चुनाव को लेकर 18 अप्रैल को नोटिफिकेशन जारी हो गया है। नामांकन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 25 अप्रैल है। 26 अप्रैल को नामांकन पत्रों की समीक्षा की जाएगी। वहीं नाम वापसी की अंतिम दिनांक 29 अप्रैल रहेगी और 13 मई को मतदान होगा और 4 जून को मतगणना की जाएगी। वहीं पत्रकारों से मुखातिब कलेक्टर दिनेश जैन ने बताया कि जिले में कुल मतदाताओं की संख्या 61,50,069 है। 5 मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल है। कुल 743 मतदान केंद्र होंगे। वहीं 102 बॉर्डर पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। 71 सेक्टर रहेंगे। 50 मॉडल मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 25 महिला मतदान केंद्र होंगे। पीडब्ल्यूडी द्वारा संचालित 3 मतदान केंद्र होंगे और युवाओं के लिए भी 3 मतदान केंद्र बनाए जा रहे हैं। 448 वेब कास्टिंग वाले मतदान केंद्र रहेंगे। वहीं संवेदनशील मतदान केंद्रों की संख्या 201 बताई गई है। के अनुसार हमारे यहाँ 13 मई को मतदान है, जो कि चौथे चरण में होगा। आज 18 अप्रैल से हमारा जो संसदीय क्षेत्र है वो 23 मंदसौर संसदीय क्षेत्र कहलाता है, जिसमें नीमच की 3 विधानसभा सीटें इसमें आती हैं। तो आज हम लोगों ने पत्रकार वार्ता के माध्यम से जो हमारी निर्वाचन की तैयारियाँ चल रही हैं उसके बारे में सभी को अवगत कराया है। और जो तैयारियां हमारे मतदान दलों का प्रथम प्रशिक्षण हमारा हो चुका है, उसके बाद ईवीएम्स का फर्स्ट रैंडमाइजेशन हो गया है, स्ट्रॉन्ग रूम्स वगैरह बनाए गए हैं, पुलिस का भी हम लोगों ने सब आकलन किया है, हमारे इंटर स्टेट नाके जो हैं वो आज से सक्रिय हो रहे हैं, उसके अलावा जो SSTs हैं उनको भी आज से हम लोग 12 SSTs को सक्रिय कर रहे हैं। तो 18 तारीख से 25 तारीख तक नाम निर्देशन पत्र भरे जाएंगे, जो कि मंदसौर कलेक्ट्रेट में भरे जाएंगे। उसके बाद फिर स्क्रूटनी होगी और 29 तारीख को विड्रॉवल होगा और उसके बाद पूरा फाइनल हो जाएगा कि कौन लोग चुनाव लड़ रहे हैं। उसके बाद जब मतपत्र की छपाई वगैरह होगी, फिर EVMs का कमीशनिंग का कार्य शुरू किया जाएगा। ई मतदान केंद्रों का आकलन किया है और हमारे 102 मतदान केंद्र ऐसे हैं जो कि बॉर्डर के हैं, उन पर विशेष निगाह रखी जाएगी। और जब हमारे उस तरफ जो राजस्थान में है वो 26 अप्रैल को इलेक्शन है और हमारे यहाँ 13 मई को, जब वहाँ चुनाव होगा तो इधर के क्षेत्रों पे नज़र रखी जाएगी। यहाँ जो शराब वगैरह की दुकानें हैं वो बंद रखी जाएंगी 48 घंटे पहले। जब इस तरफ मध्य प्रदेश में होगा तो उधर की जो 3 किलोमीटर की दुकानें हैं उनको बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। और हम लोग जो क्रिटिकल हमारे मतदान केंद्र हैं जो लगभग 200 के लगभग हैं, उन पर विशेष मतलब पुलिस की व्यवस्थाएं की जाएंगी। इस बार आयोग ने जो वेब कास्टिंग के लिए भी काफ़ी मतलब उसमें सुविधा दी हुई है, 448 मतदान केंद्रों की वेब कास्टिंग की जाएगी। तो वेब कास्टिंग को देखने के लिए भी हम लोग काफ़ी सारी टीमें लगा रहे हैं, वो ये देखेंगी कि उस मतदान केंद्र पर मतदान सुचारू चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अगर कुछ भी वहाँ मतदान केंद्र पर होता है तो यहाँ पर कलेक्ट्रेट में बनाए गए जो कंट्रोल रूम्स हैं उसमें वो चीज़ें पता चलती रहेंगी। अभी LOR जो पीरियड है MCC का पीरियड, उसमें देखेंगे तो पुलिस द्वारा जो है लगातार सीजर्स की कार्रवाई की जाती है। बीते हम 2,236 किलो डोडा चुना, 25 किलो की और गांजे में भी कार्रवाई कर चुके हैं। इसके अलावा लिकर की भी सीजिंग की कार्रवाई चल रही है। कैश अभी तक 23 लाख रुपए का कैश जब्त हुआ है। प्रीशियस एलिमेंट्स में देखें तो 13 किलो सिल्वर जब्त हुआ है। इसके अलावा अन्य जो अदर आइटम्स हैं जो हैं वो 1.5 करोड़ के लगभग के अदर आइटम्स जब्त हुए जो अन्य केसेस में रहते हैं। तो इस प्रकार से लगातार हम लोग सीजर की कार्रवाई कर रहे हैं और वारंट तामिली में भी देखेंगे तो 400 से अधिक की वारंट तामिली अभी तक हम कर चुके हैं MCC पीरियड में, जिसमें चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, मंदसौर, रतलाम और नीमच सभी जगह जो फरारी काट रहे थे इन सभी को पकड़ा है। और जो ये कार्रवाइयाँ हुई हैं चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ में, ये जॉइंट कार्रवाई उसमें हुई है जो वहाँ की टीम के साथ में मिलकर हम लोगों ने की। इसके अलावा आप देखेंगे तो नाकों की कार्रवाइयाँ कर रहे हैं लगातार। नाके अब हमारे जो हैं वो 24/7 ऑपरेशनल हो रहे हैं और SSTs भी आज से ऑपरेशनल हो रही हैं, तो निश्चित ही तौर पर काफ़ी अच्छे सीजन देखने लगे। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान के लिए कितनी फोर्स लगाई जा रही है, कहाँ कहाँ से पुलिस बल उपलब्ध रहेगा? अभी हम लोग को 5 CAPF की कंपनी का मिला है और इसके साथ ही जिला बल और होमगार्ड्स भी मिलेंगे अलग अलग जगह से।
इसके जो हम लोगों ने प्लानिंग की है उसमें जो हमारे क्रिटिकल और वल्नरेबल जो पोलिंग स्टेशन है उनको हम लोगों ने टारगेट किया है, और इसमें जो क्रिटिकल है उसको तीन हिस्सों में हम लोगों ने लिया हुआ है, हाइपर क्रिटिकल, लीस्ट क्रिटिकल और लेस क्रिटिकल। तो उसके फॉर्मूला अनुसार हम लोग व्यवस्था लगाएंगे। इसके साथ ही जो हमारे सेक्टर पुलिस अधिकारी हैं, सेक्टर मजिस्ट्रेट्स हैं, इनके भी हम लोग नोडल पॉइंट बनाएंगे ताकि जो हमारे संवेदनशील जो पोलिंग स्टेशन हैं और जो बॉर्डर के पोलिंग स्टेशन हैं वहाँ एक अच्छी बल की उपलब्धता रहे। इसके साथ ही वेबकास्टिंग जो कि शासन के द्वारा कराई जा रही है वो भी एक मदद रहेगी हमारे लिए कि किसी भी प्रकार की कोई अनैतिक गतिविधियाँ वहाँ। थैंक यू।